Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and today we are studying isomorphism in group theory. So let's start the topic. Isomorphism in group theory. Suppose कीजिए आपके पास कोई भी दो groups हैं, ठीक है? G and G dash groups हम already discuss कर चुके हैं क्या होते हैं. Groups होने के लिए आपके पास ऑपरेशन भी होने चाहिए. अगर ये एक सेट है और वो किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुप होता है ना, वो हम कर चुके हैं. तो जी और जी डैश कोई दो ग्रुप्स हैं आपके पास. अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, यहाँ पे आपने बात अब बहुत ध्यान से देखनी है क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है. सपोज कीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ जी टू जी डैश. हमने एक रूल डिफाइन किया, एक मैपिंग डिफाइन करी कहां से कहां तक, एफ जी टू जी डैश. ओके, इसको हम आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती है. अब वो तीन कंडीशंस क्या हैं उनको हम देखते हुए चलते हैं, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन है इफ एफ इज वन वन. वन वन मैपिंग क्या होती है, वन वन फंक्शन क्या होता है. देखिए आपको मैंने फंक्शन एक वीडियो में बताया था, यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपके पास एक फंक्शन है x टू y. x क्या होता है, दिस इज कॉल्ड डोमेन. एंड y क्या होता है, y इज कॉल्ड कोडोमेन. सबसे पहले इस फंक्शन की क्या कंडीशन होती है हमें वो पता होना चाहिए. क्या कंडीशन होती है फंक्शन की, सपोज कीजिए इसके पास एलिमेंट्स हैं, x के एलिमेंट्स हैं x y z और y के एलिमेंट हैं एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, है ना, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं. इसकी ये कंडीशन होती है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है? सबकी इमेज यूनिक होनी चाहिए. फंक्शन की ये कंडीशन होती है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही. सपोज कीजिए मैं यहाँ पे बोल दूं कि एक एलिमेंट एल है तो ये फंक्शन है ही नहीं, है ना. तो ये हम पढ़ चुके हैं कि सब एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये कर चुके हैं कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा नहीं कि सपोज कीजिए कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, कि ऐसा नहीं कि ये एलिमेंट दो एलिमेंट से मैप कर रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है. उसके लिए आप मेरी फंक्शन की वीडियो रेफर कर सकते हैं. तो हमें पता है फंक्शन क्या होता है. ओके, अब हमने ये देखना है व्हाट इज वन वन फंक्शन. फंक्शन वन वन फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो. जैसे कि यहाँ पे आपके पास सपोज कीजिए एक्स वाई वाई जेड है और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये जी के एलिमेंट्स हैं. एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जी एंड एफ ऑफ एक्स, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, एक्स डैश वाई जेड डैश जेड डैश बिलोंग्स टू जी डैश. ओके, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है. इसमें ये बोलता है अब कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए. वन वन की कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है, दिस इंप्लाइज वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ. ये होती है वन वन की कंडीशन कि अगर एलिमेंट डिफरेंट है उसकी इमेज भी डिफरेंट होगी, और अगर एलिमेंट सेम है दैट मीन्स वो इमेजेस सेम है दैट मीन्स एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है दैट मीन्स उसकी इमेज सेम है, ठीक है. तो ये हुआ आपका कि वन वन फंक्शन क्या होता है. जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. सपोज कीजिए मैं लेती हूँ एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स. ओके, यहाँ पे वन वन, आप बताइए क्या ये फंक्शन वन वन है. एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स कैसे वन वन है, आप बताइए, बताओ. इसमें हम क्या लेंगे कि हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें, x1 is equal to x2. Let to prove this, let x1 is equal to x2. तो आप बताइए अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे, 2x1 is equal to 2x2 होगा. 2x1 क्या है, f of x1 है, और 2x2 क्या है, f of x2 है, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन है कि अगर कोई एलिमेंट इक्वल है तो उनकी इमेजेस भी इक्वल है, ठीक है. सिमिलरली अगर हम इमेजेस इक्वल लेके चलते
एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चलते, इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे तो हमें क्या प्रूफ करके लेके आना है कि एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? एफ ऑफ एक्स वन है 2x1, एफ ऑफ एक्स टू है 2x2, तो क्या आ जाएगा? एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो अब हमें ये पता चल गया कि कोई फंक्शन 1 1 कैसे होता है, 1 1 हमने उसको कैसे प्रूफ करना होता है कि अगर उसकी इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होगा, एलिमेंट इक्वल है तो इमेजेस भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं कि सेकंड कंडीशन इसकी क्या है। इसकी सेकंड कंडीशन है कि एफ इज ऑन टू। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन कि हमें ये प्रूफ करना है कि, या फिर क्या है कि अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म कब बनता है? जब एफ 1 1 हो और एफ ऑन टू भी हो। अब हम ऑन टू कैसे चेक करते हैं? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन टू चेक करना, कि कैसे चेक करते हैं। अब फंक्शन आप इसको अगर ध्यान से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चेक करना होता है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अब फंक्शन एफ इज ऑन टू, या फिर हम क्या बोलेंगे, अब फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज ऑन टू इफ इफ फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट, दिस इज सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट x belongs to x such that f of x is equal to y। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। अब फंक्शन कब ऑन टू होता है? अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। देखिए जैसे कि ये एक x फंक्शन है, एक y फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे सपोज कीजिए एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3, x4, कितने भी हैं। ओके, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं y1, y2, y3 अप टू सो ऑन, कितने भी हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं ये देखना है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स हमारे कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं, अगर हम ऐसा फंक्शन बना दें x2, x4, ठीक है, और यहाँ पे y5 है, बट यहाँ पे x5 नहीं है, ठीक है। आप देखिए सब सारे एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स ये फंक्शन तो है। अब ये 1 1 भी है। 1 1 कैसे है? क्योंकि हर एलिमेंट के इमेज यूनिक है, 1 1 भी है, बट ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। इफ सारे एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट कर रही है, दैट मींस वो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू होता है। तो अगर क्या है, इसकी भी इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसकी प्री इमेज, अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वाई के हर एलिमेंट की, ठीक है, अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, वाई फाइव की प्री इमेज क्या है? x5 है। दैट मीन्स अब ये फंक्शन ऑन टू बन गया, ठीक है। तो ये हुआ फंक्शन ऑन टू की डेफिनेशन। कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है वो 1 1 ना हो बट ऑन टू हो, ठीक है, या फिर वो ऑन टू ना हो वो 1 1 हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। बट हमारी जो आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन है उसमें क्या होना चाहिए? बाइजेक्शन होनी चाहिए। बाइजेक्शन क्या होती है? फंक्शन 1 1 भी हो और फंक्शन ऑन टू भी हो, ठीक है। अब हम ये पता चल गया कि हमें ये ऑन टू है। अब हम ऑन टू चेक कैसे करते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड हम जो एक एग्जांपल ले रहे थे, कौन सा एग्जांपल था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। हम थोड़ा सा वो एग्जांपल से चेक करते हैं, क्या वो, सपोज कीजिए एफ एक g डैश एक क्या है, मैपिंग है। मैं एक एग्जांपल डिफाइन ही कर लेती हूँ। जी हमने क्या ले लिया? एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ओके। और ये जी डैश हम क्या ले लेते हैं? इवन इंटीजर्स, एडिटिव ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है। ये हमने दो ग्रुप ले लिए और हमने और क्या डिफाइन कर दिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x है। इसका हम 1 1 वाला पार्ट चेक कर चुके हैं कि ये फंक्शन 1 1 था। अब हमने ये चेक करना है क्या ये फंक्शन ऑन टू है। ये हम कैसे चेक करेंगे? आपको क्या है ऑन टू की डेफिनेशन? ऑन टू की डेफिनेशन है, और मैं आपको अभी चेक करना सिखाती हूँ कि आपने एक्चुअल में चेक कैसे करना होता है, ठीक है। ऑन टू की डेफिनेशन है कि हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आपको ये पता है, देखो वैसे, कि
अगर हम ध्यान से देखें कि 2x है, ये इंटीजर्स हैं, 2x कब आया, ट्वाइस करा हमने, तो हर एलिमेंट की प्री इमेज कुछ भी जो भी हम यहाँ पे 2 लेंगे इसकी इमेज 4 यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 6 लेंगे यहाँ पे 12 आएगा, क्योंकि ये इवन इंटीजर्स का ग्रुप है, तो हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी इंटीजर्स में, इवन इंटीजर्स की, है ना। बट हम इसको चेक कैसे करते हैं, हम इसको देखो ऐसे चेक करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2x, बहुत इजी है चेक करना, आप y को 2x ले लीजिए, यही है f of x equal to 2x, that means y is equal to 2x, इससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x आपका क्या आ जाएगा, y by 2, ठीक है। Now you check f of x, अगर आपका f of x solve होके y आ गया, that means function on to है, अब आप f of x निकालिए, f of x क्या है, 2x है, x की वैल्यू क्या है, y by 2 है, और आपकी क्या निकल के आ गई, f of x equal to y, इसका मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। आपको कोई भी फंक्शन दे रखा हो आपने ऐसे ही चेक करना है, आप x को क्या करेंगे, y की फॉर्म में निकाल लेंगे, फिर आप f of x चेक करेंगे, जब आप f of x सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके अगर y आ जाता है दैट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू, ऐसे हम हर क्वेश्चन में चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ कि ये जो फंक्शन हम लेके चल रहे थे f of x equal to 2x, ये 1-1 भी है और ये ऑन टू भी है। अब आती है थर्ड कंडीशन आइसोमॉर्फिज्म की, आइसोमॉर्फिज्म की थर्ड कंडीशन क्या होती है, ये होती है कि फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, एफ मस्ट बी होमोमॉर्फिज्म, थर्ड कंडीशन इज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म, ये हम एक वीडियो में कर चुके हैं, बट स्टिल होमोमॉर्फिज्म क्या होती है कि सपोज कीजिए एफ जी टू जी डैश, आपकी जो मैपिंग चल रही है ये, ठीक है, तो जी के एलिमेंट्स हैं फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, एंड सपोज कीजिए हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई किससे बिलोंग करेंगे, जी डैश से बिलोंग कर रहे हैं सपोज कीजिए, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ एक्स, पहले वाले का ऑपरेशन क्या है, स्टार, एक्स जो भी एक्स वाई एलिमेंट्स हैं जी के एलिमेंट्स हैं, और जी का ऑपरेशन क्या है, स्टार है, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका ऑपरेशन क्या है ये, ओके, एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ वाई। तो अगर ये ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहे हैं, कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं, कि आपने पहले एक्स और वाई पे ऑपरेट किया, एक्स और वाई को आपस में ऑपरेट किया एलिमेंट्स को, एंड देन यू अप्लाइड मैपिंग, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, और यहाँ पे आपने क्या किया, पहले एलिमेंट्स के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया और बाद में ऑपरेट किया, यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा लगा, जी डैश के एलिमेंट्स पे जी डैश का ऑपरेशन लगेगा और जी के एलिमेंट्स पे जी का ऑपरेशन। अगर ये आप प्रूफ कर सकते हैं किसी भी ग्रुप के लिए, दो ग्रुप्स के लिए, ठीक है, तो आपके वो जो दो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, होमोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। अब हमने ये चेक कर लिया कि अगर फंक्शन क्या है, 1-1 भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिक भी है, दैट मीन्स वो आइसोमॉर्फिक भी होगा, ठीक है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म की ये तीन कंडीशंस होती हैं, f इज 1-1, f इज ऑन टू एंड f इज होमोमॉर्फिज्म। तो जो हम एग्जांपल अपना करते आ रहे हैं, कौन सा f of x equal to 2x, ये करते आ रहे हैं, इसको बताइए क्या ये होमोमॉर्फिज्म है, कैसे होगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, ठीक है, f of x plus y चेक करेंगे, क्योंकि एडिटिव ग्रुप है, एडिशन है ऑपरेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, एफ ऑफ टू ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, बताइए, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, 2 ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, एक्स प्लस वाई के ऊपर अप्लाई करिए, ये क्या बन गया, 2x प्लस 2y, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, दैट मीन्स समझ आया आपको, दिस इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यही है, एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ वाई, क्या है ये आपका क्या है ये आपका RHS है, RHS क्या थी कि आपने यहाँ पे फंक्शन पे, क्योंकि RHS का ग्रुप भी इसका, जी डैश का ऑपरेशन भी क्या था, जी डैश का ऑपरेशन इज एडिशन, दोनों ऑपरेशन एडिशन है, तो ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है, अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो हम वो भी चेक करते। होमोमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल्स भी आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये हमने चेक किया कि f एक ग्रुप जो था, ये f एक क्या था, फंक्शन जो था, और किससे था, g से g डैश, g और g डैश कोई दो ग्रुप्स हैं, अगर ये फंक्शन जो दो ग्रुप्स के बीच में डिफाइन है, कोई रिलेशन, कोई मैपिंग
जो दो ग्रुप्स के बीच में डिफाइन है, ये वन वन है मतलब आपको पता है, ऑन टू है यू नो व्हाट इज ऑन टू, और होमोमॉर्फिज्म है दैट मींस ये क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हमने कर ली। इसके ऊपर ही आप और एग्जांपल्स भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।